नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी के साथ 3 BHK का फ्लैट कंप्लीट वेंटिलेटेड मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन यहाँ से और फ्लैट बहुत ही रिजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस में। कंप्लीट वेंटिलेटेड फ्लैट 3 बेडरूम इसमें आपको मिलता है। तीनों बेडरूम में आपको बड़े बड़े विंडो मिल जाते हैं। 2 बेडरूम से बैल्कनी मिलती है और 2 अलग अलग बैल्कनी है इसमें। उत्तम नगर इस फ्लैट की लोकेशन है। 80 गज में बना हुआ 3 BHK का एल टाइप फ्लैट जिसमें 2 बैल्कनी आपको मिल जाती है। रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं, आप इस पे होम लोन भी ले सकते हैं। लिफ्ट और कार पार्किंग की इस फ्लैट में आपको सुविधा मिलती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं बिल्डिंग के सामने वाली रोड, फिर हम लोग देखेंगे पार्किंग। और पार्किंग भी बहुत अच्छा बनाया गया है। 2 साइड ओपन है, एक तरफ से आपकी कार की एंट्री होगी, दूसरी तरफ से आपकी कार की एग्जिट होगी। तो चलिए देखते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने 3 BHK फ्लैट के अंदर जो एल टाइप में बना हुआ है। 80 गज इसका यूजेबल एरिया आपको मिलता है। यहाँ से हम लोग ने एंट्री ली है, ये हमारे फ्लैट की एंट्री है। लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ ये फ्लैट आपको मिल जाता है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है, बहुत ही बड़े साइज में ये ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ 1st बेडरूम मिलता है कंप्लीट वेंटिलेशन के साथ। इसके साथ आपको एक बैल्कनी मिलती है और यहाँ किचन मिल जाता है। और इसके साथ में ये कॉमन वॉशरूम यहाँ दिया गया है, 1 बेडरूम आपको यहाँ मिलता है। इसके साथ भी आपको वार्डरोब और अटैच वॉशरूम मिलता है। और 1 बेडरूम यहाँ है, इसके साथ भी एक बैल्कनी आपको मिलती है। इसमें हम लोग ने वार्डरोब भी दिया है, ड्रेसिंग भी दी है और टीवी पैनल भी दिया है। अगर ड्राइंग रूम के बारे में बात करें तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है, बहुत ही बड़ा, काफ़ी स्पेस ही है। एक बार पूरा फ्लोरिंग दिखाइए, स्पेस भी इससे दिख जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग वाइड लेंस कैमरा यूज़ नहीं करते हैं। आप ये देखिए पूरा स्पेस ये यू टाइप में आपको मिलता है। यू कैन इमेजिन कि अगर इस तरफ आप सोफ़ा लगाएं और इस पूरे में जो आपका सोफ़ा का सेटिंग है अगर वो लगाएं और इस तरफ लगाएं, उस बीच में कॉफ़ी टेबल आ जाएगा। उसके बाद भी ये पूरा स्पेस, एक बार नीचे दिखाएं आशीष, ये पूरा स्पेस आपका बचता है। बहुत ही ओपननेस फील होगी इस ड्राइंग रूम में। हालांकि 80 गज का फ्लैट है बट जब आप विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी स्पेसियस और ओपननेस इसमें आपको फील होगी। इस वॉल में हमने इस तरह का वॉलपेपर लगा दिया है, बहुत ही खूबसूरत एल टाइप का जो वॉल है उसमें हमने एल टाइप में जो 3D वॉलपेपर है वो यूज़ किया है। एक वॉलपेपर यहाँ मिल जाता है और एक वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्प्लिट एसी की वायरिंग हम लोग करके दे रहे हैं, इसमें आप इंडोर और आउटडोर लगा सकते हैं। और टीवी पैनल, चूँकि यहाँ पे आपकी सेटिंग है तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस आपकी टीवी का रहेगा। आप देखिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा आपके आइज़ पे, जो रोशनी का इम्पैक्ट होता है वो नहीं पड़ेगा। ये पूरा पैनल है, इतना बड़ा पैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारे स्मॉल बॉक्सेस बनाए गए हैं, आप इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं और बीच में भी कुछ आप रख सकते हैं। ऊपर भी स्पेस आपको मिल जा रहा है और नीचे भी स्टोरेज के लिए 2 ड्रॉअर दिए गए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की, तो झूमर के साथ बहुत ही बेहतरीन लुक में, सुपर्ब लुक आप कह सकते हैं, उसमें हम लोग ने फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो बनाई है, वो ये रही। यहीं से हम लोग देखते हैं जो हमारा 1st बेडरूम है वो।
ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। इसमें जो फ्लोरिंग का डिज़ाइन है वो अलग किया गया है। इस तरह से हम लोग ने जो टेक्सचर पेंट है वो एक वॉल में किया है, और वेंटिलेशन के लिए ये बड़ी सी आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं, और यहीं से आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है। बट बैल्कनी दिखाने से पहले एक बार आशीष, जो हम लोग ने डिज़ाइन दी है फॉल सीलिंग की, वो दिखाइए और फिर आप बैल्कनी दिखाइए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जो हमारा किचन है, मॉड्यूलर किचन इलेक्ट्रॉनिक चिमनी के साथ। वो एक बार आशीष पूरा किचन दिखाएं आप, फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अगर किचन की बात करूं तो बहुत ही खुला खुला किचन आपको महसूस होगा। आप देखिए, कम से कम 4 से 6 लोग आप इस किचन में बहुत ही आराम से खड़े हो सकते हैं। कैबिनेट्स की अगर बात करूं तो ये सारे कैबिनेट्स आपको मिल जा रहे हैं स्टोरेज के लिए। किचन में हमारे बड़े सारे यूटेंसिल्स होते हैं, कटलरी स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है, यहाँ भी स्पेस मिलते हैं। काफ़ी सारे इसमें कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं स्टोरेज के लिए, यहाँ भी स्पेस मिल जा रहा है, और इस तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। आप चाहें तो ये स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं बड़े कंटेनर के लिए। यहाँ हम लोग ने सिंक लगा दिया है, अभी जो टैप है वो लगना है। इसके ऊपर गीज़र या आरओ आप लगा सकते हैं, इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है। ये सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं स्टोरेज के लिए। चिमनी के लिए हम लोग ने यहाँ स्पेस दिया है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के देंगे, और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है। यहाँ स्मॉल लाइट्स भी लगाई गई हैं छोटी छोटी, ताकि आपके आईज पे रोशनी ना बढ़े, और यहाँ हमने एक फैंसी लाइट लगा दी है। अब देखते हैं हम लोग अपना सेकेंड बेडरूम। आइए, ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। एक बार फ्लोरिंग दिखाएं आशीष पूरा। इसमें वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग मिल जाती है, डिज़ाइन इसका अलग रखा गया है ड्राइंग रूम से, और ऑफ कोर्स एल टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेंटिलेशन की। यहाँ अगेन आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है, और यहाँ आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। यहीं से आपकी बैल्कनी की एंट्री है, बट बैल्कनी दिखाने से पहले मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। यहाँ हम लोग ने टीवी पैनल दिया है, इस तरह का टीवी पैनल मिल जाता है। आप अपना सेटअप बॉक्स यहाँ रख सकते हैं, और उसके बाद ये बड़ा सा वार्डरोब रूफ तक ये पूरा आपको मिलता है। यहाँ पे अगर दिखाऊं तो इस तरह के स्पेस आपको मिल जा रहे हैं, और इसमें भी यहाँ स्पेस मिलता है। ये सारे स्मॉल बॉक्सेस बनाए गए हैं, कुछ जो स्मॉल आइटम होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी में इस तरफ हम लोग ने ड्रेसिंग दिया है, यहाँ मिरर भी हम लोग ने लगा दिया है, और नीचे आपको स्टोरेज भी इस तरह का मिल जाता है। इधर आपको मिरर मिलता है, एक बार मिरर दिखाएं आशीष। यहाँ हमने मिरर लगा दिया है, और उसके बाद वॉलपेपर आपने देखा ही है इस तरह का डिज़ाइन वॉलपेपर का, इस वॉल में हम लोग ने लगाया है। और ऊपर फॉल सीलिंग की इस तरह की आपको डिज़ाइन मिल जाती है, जिसमें कॉब लाइट और LED लाइट्स हम लोग लगा के दे रहे हैं। एक बार ये दिखाइए आशीष, और फिर बैल्कनी दिखाइए।
यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। और थर्ड बेडरूम देखने से पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। अभी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो अभी होनी है, चाहे शावर हो या टैप हो, सीट लगना हो, जितनी भी अभी जो स्टफ होते हैं बाथरूम के वो सारी इसमें लगनी है। सामने वेंटिलेशन के लिए आपने स्पेस देखा है। जैसे ही बेडरूम में हम एंट्री लेंगे, तो चूंकि एल टाइप का फ्लैट है, हमने वेंटिलेशन की बात बार बार की है, तो बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन यहाँ पे अगेन आपको विंडो मिल जाता है। ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं और यहाँ पे वार्डरोब इस तरफ आपको मिलता है। यहाँ रूफ तक फुल लेंथ में वार्डरोब यहाँ पे मिल जाता है आपको इस तरह का। और इसी के साथ अटैच वॉशरूम मिलता है। बट ये दिखाने से पहले आशीष एक बार वॉलपेपर दिखाएं जो हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। ये आपको वॉलपेपर इस तरह से आपको मिल जा रहे हैं। और जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग की, ये बहुत ही बेहतरीन इस तरह की डिज़ाइन मिल रही है जो फॉल सीलिंग की है उसकी, जिसमें हम लोग ने कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स दोनों लगा दिए हैं। एक बार आशीष ये दिखाइए और फिर ये जो हमारा अटैच वॉशरूम है वो दिखाइए। इस फ्लैट की अगर मैं सिनॉप्सिस की बात करूं, तो रजिस्ट्री वाले फ्लैट हैं ये। आप 80-85% तक लोन ले सकते हैं। लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ ये फ्लैट आपको मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे। लोकेशन की अगर बात करूं, तो उत्तम नगर में ये लोकेशन आता है जो न्यू दिल्ली में है। 80 गज इस फ्लैट का यूजेबल एरिया मिलता है। एल टाइप का फ्लैट है, बहुत ही खूबसूरत फ्लैट, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। इस फ्लैट के बारे में कुछ और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहां फ़ोन कर सकते हैं या आप विज़िट कर सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है कंपनी की sanvistar.com वहां। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफकोर्स आप ही sanvistar है और आप ही से sanvistar है। ड्राइंग रूम तो आप देख ही रहे हैं, ह्यूज एंड स्पेसियस। थैंक यू।